आप सभी लोगों को था इंतजार कि अहमदाबाद अपने 3 खिलाड़ियों का नाम कब करेगी ऐलान, तो आपका इंतजार हुआ खत्म। आईपीएल 2022 अहमदाबाद की ओर से खेलेंगे हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल, 37 करोड़ देकर टीम में किया शामिल। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल आगामी आईपीएल सीजन के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले अपने टीम में 3 खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद ने हार्दिक और राशिद को 15-15 करोड़ रुपए देकर साइन किया है, जबकि शुभमन को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग स्टाफ का भी ऐलान कर दिया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज मुख्य कोच गैरी कस्टर ने टीम का कोचिंग स्टाफ को लीड करेंगे। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी टीम के निर्देशक होंगे। आईपीएल के 3 खिलाड़ी को चुनने के लिए फ्रेंचाइजी के लिए 15 करोड़ और 11 करोड़ और 7 करोड़ निर्धारित किए हैं। अहमदाबाद ने हार्दिक और राशिद को समान राशि 15 करोड़ का भुगतान करने का निर्णय लिया। यह भी पता चला है कि हार्दिक अहमदाबाद के कप्तान के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है, जो आईपीएल में ऑलराउंडर के लिए पहला अनुभव है। तीसरे खिलाड़ी शुभमन गिल हैं, जिनको 7 करोड़ रुपए भुगतान किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि जब हार्दिक और राशिद आईपीएल के एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे, जो क्रमशः मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2015 में महज 10 लाख रुपए में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में खरीदे जाने के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने शानदार प्रदर्शन से आईपीएल में एक खास जगह बना ली है। 2018 तक उन्होंने खुद को भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया था और मुंबई के उस वर्ष में की नीलामी में उन्हें 11 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए अपनी दूसरी पसंद के रूप में बरकरार रखा। अगले 2 सीजन में हार्दिक ने 762 रन बनाए और 29 मैचों में 32 विकेट लिए। वही 4 बार 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब के विजेता हैं। राशिद खान दोनों नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद और लखनऊ के ड्राफ्ट में शामिल थे। हालांकि अहमदाबाद ने राशिद खान को उनकी पिछली सैलरी से 6 करोड़ ज़्यादा देकर अपने टीम में शामिल करने का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए राशिद खान को 9 करोड़ की सैलरी ले रहे थे। हालांकि दिसंबर में हैदराबाद की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 स्पिनर को रिलीज कर दिया। 2017 में सनराइजर्स ने हार्दिक को 4 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। एक साल बाद उन्होंने 9 करोड़ में रिटेन किया। गौरतलब है कि राशिद अपने पर्दापण के बाद सनराइजर द्वारा खेले गए सभी मैचों में 76 मैचों में 6.33 की इकोनॉमी से 93 विकेट लिए। केवल जसप्रीत बुमराह ने पिछले 5 आईपीएल में राशिद खान से अधिक विकेट ले पाए हैं। भारतीय टीम के उभरते हुए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हिस्सा थे। हालांकि कोलकाता द्वारा रिलीज किए जाने के बाद वह अहमदाबाद की ओर से बड़ी सैलरी उठाएंगे। शुभमन गिल 58 मैचों में 31.48 की औसत से 1417 रन बनाए हैं। यह आईपीएल में उनकी दूसरी टीम होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2018 में नीलामी में 1.8 करोड़ रुपये में खरीदा था। अहमदाबाद की ओर से वह 7 करोड़ रुपए पाएंगे। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको ऐसे ही कंफर्म न्यूज और मैच से जुड़े प्रेडिक्शन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।